रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। एक मैं खबर तो इसको अच्छी नहीं बोल रहा, मैं अभी ये खबर पढ़ रहा था और आप भाई को भी बताना चाहूँगा मैं। अच्छा, मैं इसको अच्छी इसलिए नहीं बोलता कि पहले आपको पता है कुछ कस्टम के मामलात को लेकर ऐसी खबरें चली, खबरें क्या ये बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ थी कि आप सऊदी अरेबिया से अभी जो भी सामान लेकर आएंगे उनके ऊपर आपको पाकिस्तान में टैक्स देना होगा, कस्टम ड्यूटी देनी होगी। उसके बाद कुछ चीज़ों के ऊपर रायत की गई, कुछ के ऊपर भाई अभी भी टैक्स है। जैसा कि आपको मैं एक चीज़ की मिसाल देता हूँ, मैं हम जब LCD एक मिसाल के तौर पर आप सऊदीया से LCD कार्गो करते हैं तो उसका भाई कस्टम ड्यूटी कितनी होती है? एक LCD अगर आप 43 इंच की इस वक्त सऊदी अरेबिया से भेजेंगे, मेरे अंदाजे के मुताबिक 250 रियाल से लेकर 300 रियाल उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होगी, इससे जायद हो सकती है। ठीक है जी। हाँ, मैंने एक भेजी थी वैसे 55 इंच की, मुझे तो फ्री दी थी सऊदी ने, हल्की सी डैमेज थी, तो वो भाई मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो भी लगाई हुई है, उसकी पुरानी पड़ी होगी, तो वो तो रस्ते में ही कार्गो वालों ने एक तो 6 माह में मेरे घर पहुँचाई, मैं सऊदी में था, घर वालों ने इतनी तसल्ली से चेक नहीं की और ली और रख ली, उनको 500 या 1000 रुपये पाकिस्तानी भी दे दिए। वो जब उन लोगों ने निकाल कर बाद में चलाई और वो हल्की फुल्की चली, बाद में बंद हो गई, सारी डैमेज हो गई, सारा पैसा 500 रियाल इधर से मेरा खर्चा हो गया था उसके ऊपर। तो बहरहाल जी, ये आपको मिसाल दी मैंने। तो कस्टम ड्यूटी अभी आप सऊदी से सामान लेकर जाते थे कुछ चीज़ों के ऊपर हमारी लगती थी, अभी हम पाकिस्तान से जो सामान लेकर आते हैं सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया ने ये भाई ऐलान कर दिया है कि कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर भी होगी जो आप बाहर से सामान लेकर सऊदी अरेबिया में आएंगे। अच्छा, इसमें सुन लीजिएगा, इसमें कौन कौन सा सामान आएगा। अभी मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से जा रहा हूँ, ये मैंने कोट लिया, ये शर्ट रखी हुई है, अपने शूज़ रखे हुए हैं, या भी साग बनाकर रखा हुआ है, परदेशियों की फेवरेट डिश है यार। अच्छा, या गाजर का हलवा अम्मियाँ बना देती हैं हमारी, यार साथ ले जो, या कोई पंजीरी वगैरह तो मत लेकर जाएँ, मैं आपको बोलूँगा, कुछ तेल वगैरह मत लेकर जाएँ, देसी अद्वियात मत लेकर जाएँ, इनके ऊपर भाई वहाँ पर रोक लिया जाता है, और मैं बोलता हूँ कुछ बंदे तो गिरफ्तार भी होते हैं। मेडिसिन देसी मत लेकर जाएं, हाँ इंग्लिश मेडिसिन लेकर जाएं, वो भी वो मखसूस वाली लेकर जाएं जो आम हैं जी, और इसके अलावा कुछ सुपारी वगैरह मत लेकर जाएं। इसके अलावा सिगरेट हैं अगर तो वो भाई 20 पैकेट, यानी कि 2 डंडे जिन्हें हम बोलते हैं, 20 पैकेट से जायद मत रखें, ये भी आपको क्लियर कर दूँ मैं। वैसे मुझे पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर ही एक दफ़ा रोक लिया गया और मेरे हैंड कैरी में एक सिगार था, वो सिगार की बिना के ऊपर, तो मैंने बोला सिगार है यार इसमें क्या है, तो वो डब्बी थी, बाकी मैंने इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान में एक सिगार था मैंने रख लिया, चलो रस्ते में या कहीं और सऊदीया में उतर टेंशन फ्री होऊंगा दिमाग से, बंदा टेंशन में ही जा रहा होता है। तो अच्छा जी, वो पहुंच गया, कोई मसला नहीं बना, ये आपको बात मैं बता रहा था कि यार ऐसी चीज़ें मत लेकर जाइएगा वरना आपको रोक लिया जाएगा। अभी कस्टम ड्यूटी के मुतल्लिक बात कर लेते हैं जो सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है, इसमें कौन कौन सा सामान। मिसाल के तौर पर जी, मेरा 40 किलो वजन है, मैंने 40 किलो वजन पूरा नहीं हो रहा, मैंने क्या किया, मैंने साग भी रख लिया, मक्खन भी रख लिया, देसी घी भी रख लिया, गाजरें भी रख ली, किंडो माल्टे भी रख लिए, पाकिस्तानी यार जाकर यारों बेलियों खिलाऊंगा, तो इसके ऊपर भाई नहीं कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, इसके ऊपर टेंशन नहीं होगी, आपका यह सामान गुजर जाएगा। हाँ, जो भाई पहली दफा सऊदी अरेबिया का सफर कर ले हैं, ये भी मेरी बात सुनते जाएं, वो चाहे अपने साथ कुछ बर्तन वगैरह या कुछ ऐसी चीजें या कोई भी चीज लेकर जाएं, पहली दफ़ा जो सऊदी अरेबिया में जा रखा है उसको कोई किसी किस्म की पूछ गूछ नहीं होगी, ना उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी होगी। हाँ, जो भाई जैसा कि हम हैं छुट्टी गए वापस आ रहे हैं या किसी और भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो आप वापस आ रहे हैं, तो उस सूरत में भाई फिर ये होगा कि मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम जा रहा हूँ, ये सऊदी भी कोई है, गैर मुल्की भी, सऊदी भी, सब के लिए है, तो भाई मैं अपनी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ें, मिसाल के तौर पर मैंने कुकर, मेरे 60 किलो वज़न है, मैंने कुकर भी उसमें रखा हुआ खाना पकाने वाला, मैंने एक छोटा सिलेंडर भी या छोटा चूल्हा भी उसमें रखा हुआ है, मैंने कुछ ऐसी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें उसमें रखी हुई हैं जो कि सऊदी अरेबिया में आम मिलती हैं और मैं उनको पाकिस्तान से लेकर जा रहा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा फोल्डेबल टेबल बोल रहे हैं आप, या ऐसी कोई और चीज़ जो आपने, आपको मैं बोलता हूँ किचन के तौर पर, घर के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अक्सर फैमिलीज पाकिस्तान से को आ रहा है तो उससे बहुत कुछ मंगवाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भाई कस्टम ड्यूटी अभी आपको सऊदी अरेबिया में देनी होगी, और जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसको ये चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, यानी कि वो बंदा भी 5000 रियाल तक की चीज़ें लेकर जा सकता है ऐसी,
इससे ज़ायद रियाल की चीज़ें मत लेकर जाइएगा। जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जा रहे हैं वो घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं या इसी से रिलेटेड कुछ और, वो भाई मत लेकर जाइएगा, वरना आपको एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाएगा और आपसे कस्टम ड्यूटी से फिर, यानी कस्टम ड्यूटी जो सऊदीया की होगी वो आपको पता है फिर रियालों के हिसाब से देने पड़ेंगे हमें, तो एहतियात कीजिएगा।